नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। तरफ से आज वनभोज का आयोजन किया गया है, जो कि हर साल वर्ष के अंतिम रविवार को हम लोग वनभोज का कार्यक्रम करते हैं। और इस क्षेत्र के जितने भी क्षत्रिय भाई हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और आने वाले 23 अप्रैल को हम लोग कुंवर जयंती समारोह रूपनारायणपुर में मनाएंगे। हर साल के भांति धूमधाम से कुंवर जयंती समारोह को हम लोग मनाएंगे। और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पश्चिम बर्धमान जिला के जितने भी क्षत्रिय हैं, उन सभी क्षत्रियों को एक स्थान पर ले आकर एक छतरी के अंदर ला करके और विशाल प्रदर्शन करने का हम लोग कार्य करेंगे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था वीर कुंवर सिंह का जो जयंती हम लोग 23 अप्रैल को मनाएंगे, उसको लेकर के बीच में हम लोग का आपस में जो सहयोग राशि है उसके बारे में, और साल भर के बाद जो भी क्षत्रिय भाई जो अलग अलग कार्य में अपने लगे हुए हैं, सबसे एक मिलन के रूप में इस वनभोज का कार्यक्रम को रखा गया है, मेलजोल का कार्यक्रम है। तो समाज के लिए कोई कार्यालय का स्थापना हो रहा? जी, ये कार्यालय का स्थापना में सूर्य नारायण सिंह जी का विशेष हाथ है, उन्हीं का योगदान से कार्यालय संभव हो पाया है। और आने वाले समय में इस कार्यालय को हम लोग बढ़िया से बनाएंगे, जिसमें कि पहले से ही हम लोग का बड़ा प्रयत्न था कि कहीं भी क्षत्रिय समाज के कार्यालय हो, जो कि सबका सहयोग से और खास करके एसएन सिंह जी के सहयोग से ये संभव हो पाया है, इसको और अच्छा बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आपका परिचय? राजेश कुमार सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज पनभेना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय का नहीं ये दिल्ली है, देश के दुश्मन हो मेरा कश्मीर है भारत वालों की, देश के दुश्मन हो मेरा कश्मीर है भारत वालों की, काबुल नहीं काका नहीं ये दिल्ली है दिल वालों की, देश के दुश्मन होश में आ कश्मीर है भारत वालों की, देश के दुश्मन होश में आ कश्मीर है भारत वालों की, कायर नहीं निर्बल नहीं, कायर नहीं निर्बल नहीं, परदेश है धीरज वालों की, देश के दुश्मन होश में आ कश्मीर है भारत वालों की, देश के दुश्मन होश में आ कश्मीर है भारत वालों की। विराजमान है आरएन सिंह जी, जिसका भाग जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज चित्रंजन रूपनारायणपुर मोहिंदम शाखा के चेयरमैन भी है। विगत कुछ दिन से इनका तबीयत खराब चल रहा था, दिल्ली में ट्रीटमेंट के बाद आए और हम लोग कल जाकर के अनुरोध किए, उस अवस्था में भी यहाँ आए हैं, इसके लिए विशेष रूप से क्षत्रिय समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, उस समय आरएन सिंह जी ने बहुत सारे गांवों में जाकर के गरीब लोगों को चावल दाल तेल साबुन दान दिए। जो फंड था रिलीफ फंड, उसमें भी हम लोग 50,000 रुपया का अनुदान दिए, उसमें भी इनका विशेष सहयोग रहा। तो मैं बिमल सिंह जी से कहूंगा तो आ करके कुछ न कुछ दे करके आरएन सिंह जी को सम्मानित करें। दान रहा है इसको सजाने और सवारने में, तो मैं प्रमोद सिंह से कहूंगा कि आकर के सूर्य नारायण सिंह जी को कुछ दे करके सम्मानित करें। बच्चू भैया, जो कि बहुत पहले से क्षत्रिय समाज में, जब काफी लोग यहाँ पर नहीं थे तब से क्षत्रिय समाज में सक्रिय है, और इस उम्र में भी जिस ढंग से इनकी सक्रियता है
वो नवयुवक को भी पीछे छोड़ रहे हैं और हमारे बीच में सम्मानीय बसवंत सिंह जी हैं, उनको ओपी चैन जी सम्मानित करेंगे। त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग और सतयुग में क्षत्रियों का जो मान सम्मान रहा है और जिस तरह से जो पराक्रम रहा है, आपको जान करके खुशी होगी कि जो पाकिस्तान में बालासोर में जो एयर स्ट्राइक हुआ था और वो एयर स्ट्राइक करने में हमारे समाज के प्रकाश सिंह जी के लड़के भी थे, जिसको राष्ट्रपति के ने पुरस्कृत किया है, किसी न्यूज में भी दे रहा था। और हम लोग का सौभाग्य है कि शशांक सिंह के पिताजी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं सुनील सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि प्रकाश सिंह जी को सम्मानित करें। समाज में इनकी भूमिका हमेशा सराहनीय रही है और जब भी समाज में इनको बुलाया जाता है, अपना कार्य छोड़ करके हम लोग के बीच में उपस्थित होते हैं, तो जितेंद्र सिंह जी को जेडी सिंह जी सम्मानित करेंगे। सिंह जी जो कि माइथन से आए हुए हैं, सुदेश सिंह जी हमेशा हम लोग के संपर्क में रहते हैं और जब भी इनको बुलाया जाता है समाज के कार्य में आगे बढ़कर के सहायता करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सुदीप सिंह जी को गुड्डू सिंह जी सम्मानित करें। इसमें प्रदीप भैया उपस्थित है, प्रदीप सिंह जी बोलिए एक बार फोन करके, उनको राघव सिंह जी सम्मानित करेंगे। बीच में उपस्थित है कवि जयशंकर सिंह जी, जिनको अपने कविता के लिए काफी सम्मान भी मिला है। तो मैं जयशंकर सिंह जी को के सिंह जी से कहूंगा कि जयशंकर सिंह जी को सम्मानित करा दिए। जय भवानी। एसके सिंह जी हैं जो कि इसी 30 तारीख को रिटायर कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए मैं विवेकानंद जी से अनुरोध करूंगा कि आकर के उनको कुछ ना कुछ दे करके सम्मानित करें। ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी सीएमएसएएसएसएस ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी और सलांगपुर क्षेत्र के जेसीसी मेंबर शैलेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जी उपस्थित है। मैं रंजीत सिंह जी से कहूंगा उनको कुछ ना कुछ देकर के सम्मानित करें। जय भवानी, जय भवानी। जन रूप नारायणपुर और मेहजाम शाखा के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि आगे इस कार्यक्रम को चलाने की कृपा करें। बहुत लोग बहुत बाद में आए हैं, पीछे आए हैं। हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू कर दिए थे, शुरुआत में हम लोग एक विचार आप लोगों के सामने रखे थे और सुने हैं। वक्तव्य के अंदर में अरविंद जी ने बताया है कि हम लोगों का एक सपना था कि अपना क्षत्रिय समाज का एक स्थान हो, एक बिल्डिंग हो, बैठने की जगह हो, जहाँ 10 आदमी हम लोग इकट्ठा हो बैठे, लेकिन आज तक हम लोग नहीं कर पाए थे, जो कि आज ये पूरा होने जा रहा है। यह स्थान के बारे में सुने हैं कि इसका था, लेकिन अभी इसमें कोई नहीं रहता है और इसको हम लोगों ने सफाई करके देखे हैं कि बिल्डिंग फंड के लिए अर्थ इकट्ठा किए थे, लेकिन दूसरे मद में खर्च हो चुका, इसीलिए उनका आगमन हुआ। और आगमन होने के बाद जो गाथाएँ आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग जानते हैं इतिहास में राजपूतों के स्वर्य के बारे में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई और इतिहास गवाह है इस बारे में कि राजपूतों का जो है शौर्य के कारण जो है हम मातृभूमि का रक्षा कर पाए।
आज बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करेंगे, लेकिन छत्रियों का जो योगदान रहा भारतवर्ष के बारे में, भारतवर्ष में जब भी मुगलों का और अंग्रेजों का आक्रमण हुआ है और अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतवर्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। हम लोग पूर्वी क्षेत्र में जैसे जापान बर्मा और ये क्षेत्र आगे पूर्व के देश थे, वो भारत में ही उन लोगों को क्षत्रियों ने रोक दिया। यहाँ जितना नजदीक आइएगा उतना ही हर जगह हर घर में हमारे पत्नी के बीच में बच्चे के बीच में सबके साथ यदि है तभी बज रहा है, और यदि बर्तन नहीं बज रहा है मतलब वहाँ आदमी नहीं है। बर्तन रहेगा तभी ना बजेगा, ये अकेला बजा सकते हैं, अकेला कोई नहीं बजा सकता। तो प्रेम है तो बज रहा है, और जहाँ प्रेम होती है वहीं दुख भी होता है। बस हमको इसे लगता है राजीव से लगता है क्या, आप ट्रेन में जाते हैं और कुछ कुछ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उधर हम ध्यान चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिनसे अपनापन है उनका बात ही कर देता है, चाहे हमसे हो चाहे उनसे। चलिए एक बहुत अच्छा समय फिर से एक बार हम सभी एक बार फिर से मंचासीन है, सभी को मैं फिर से कहना स्पष्ट करूँगा, सभी को देख करके मन आनंदित। हम लोग सभी राजपूत भाई तो हम लोग यहाँ ऊपर धरती पर हम लोग सभी क्षत्रिय भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्षत्रिय हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी रहा है अपना परचम लहराया है। हम सभी क्षत्रिय भाई कोशिश करेंगे कि नहीं तक जहाँ भी रहें जिस क्षेत्र में रहें हम लोग अपना क्षत्रिय होने का समाज में उपस्थित दर्ज कराएं। आज क्षत्रिय समाज का विजय उत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग नया ऑफिस का एक उद्घाटन हुआ है केवल्स में, जो क्वार्टर सब ये है बंद पड़ा हुआ उसी में तो सभी मिल के आए हुए हैं। हम लोग एक साथ मिल के क्षत्रिय समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। सभी को हमारे जितने भी सीनियर हैं यहाँ पे सीनियर आदमी जो भी है वो लोग भी चेष्टा कर रहे हैं, हम लोग भी चेष्टा आगे से भी कर रहे हैं कि एक साथ मिलकर हम लोग क्षत्रिय समाज को कैसे आगे ले जाए। आज कहाँ कहाँ से क्षत्रिय समाज के लोग जुटे हैं? सब आसनसोल से आए हैं, आपका बन जिमारी से, इसके बाद चित्रंजन से, मिहिजाम से, सभी को ही आए। आज का संदेश क्या है लोगों? संदेश मिल के देखिए हम लोग मिल के समाज का उन्नयन करना, समाज को और कैसे आगे बढ़ाना, और हम लोग अपना समाज के साथ साथ बाकी समाज को भी कैसे उन्नयन करना है उसको भी हम लोग चेष्टा करेंगे कि उन लोग को भी देख के हम लोग करेंगे। धन्यवाद सर। आज केवल्स में वनभोज है क्षत्रिय समाज का, गेट टुगेदर बोला जा सके, और इसका उद्देश्य है कि हमारे जितने भी क्षत्रिय समाज के भाई जो इधर उधर हैं कि वनभोज के माध्यम से सब हम लोग एकत्रित हुए हैं और आपस में बात विचार विमर्श की। समाज क्षत्रिय जो पूरे हमारे मिहिजाम से लेकर आसनसोल तक जो है हम लोग एकजुट हो और समाज का जो भी काम हो कोविड पीरियड में हम लोग समाज के प्रति क्षत्रिय का जो कर्तव्य बनता है हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हर क्षेत्रीय क्षत्रिय जो है जो गरीब तबका का कोई भी जाति का आदमी हो उसको क्षत्रिय का फर्ज बनता है उसको मदद करना और सहायता करना। उसी सब एक हम लोग आपस में वनभोज के माध्यम से आपस में एक चर्चा का। आज कोई कार्यालय का उद्घाटन नहीं? ना आज नहीं है, एक यहाँ बिल्डिंग है जो बन रहा है और आशा हम लोग सभी मिल के किए हैं कि अगला साल तक ये हमारा क्षत्रिय समाज का भवन बन जाए। धन्यवाद।